23 अक्टूबर के दिन जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति योजना का आरंभ कर रहे थे और प्रत्येक थाने में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल डेस्क स्थापित कर रहे थे, उसी समय दिन में 8 बजे इन दोनों महिलाओं के घर पे दबंगों ने कब्जा किया, इन्हें मारा, पीटा, सर फोड़ दिया, ये लहूलुहान हो गई। उस समय डायल 112 काम नहीं कर रही थी। ट्विटर पर डायल 112 रायबरेली पुलिस और यूपी पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद 112 इनके घर पहुंची। जब तक डायल 112 इनके घर पहुंचते, तब तक ये वहां से जान बचाकर थाने आ चुकी थी। थाने आने के बाद थाना डी में ना तो इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई, ना ही इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। 23 तारीख को थाना अध्यक्ष डी ने इन्हें थाने से अस्पताल भेज दिया बगैर किसी कागज दिए और कहा कि जाओ आप वहां पर रुको और अभी हम सिपाही भेजेंगे। ये महिला रोखा के अस्पताल में रात 8 बजे तक पड़ी थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने के बाद जब उन्होंने 112 पर सूचना की, तब पुलिस इनको तलाश कर रोखा अस्पताल से थाने ले गई, किसी प्राइवेट डॉक्टर से इनका पट्टी कराया, इनको दवा दिलाई। 24 तारीख को थाना डी ने इनका मेडिकल कराया और इनकी FIR तो लिख ली, लेकिन बहुत न्यून धाराओं में। ये अपने घर से भगा दी गई हैं, इनके घर पे दबंगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा इन्हें नहीं है, ये दर दर ठोकरे खा रही हैं। क्या नाम है आपका जी? जहीदुन। हाँ। किस गांव में थे आप? राजकपुरवा थाना डी। हाँ। कौन सा मजरा लगता है? मजरा लागत हो वही टेकारी। दांदूपुर टेकारी। तो कितने लोगों ने मारा आप लोगों को? 4-5 है, बाबा जुटे रहे। हाँ। 4-5 जना जुटे रहे हम। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? हमारे चुतरे में लाग, पीठी में लाग, पखौरा में। हाँ। और हाथ जो हाथ उठ नहीं रहा इधर का, ऐसा कही के गई नहीं था। जब आप थाने गए तो थानेदार ने क्या कहा? थानेदार वाले कह कि चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, हमका जवाब दे कि यहाँ से भाग जाओ। आपको भगा दिया? हमका भगा दे, फिर जो हमारी पचुआरी महिला है। हाँ। फिर कह के यहाँ जाओ ना, यहाँ वह करो। तो हम कहा जो पुराना रिपोर्ट है वह कहा लिखा के लाओ FIR आज की अस्पताल में। क्या कहा? कहन की अस्पताल अस्पताल में चलो, और तुम चल नहीं पाती कुछ कह लियो, और चलो हमारे, और हम वहाँ बैठे बैठे रात हो गए। तब कई बजे तक आप वहाँ बैठी थी? अरे वहाँ 8-9 बजे वहीं बैठ गई रात का। रात में कई बजे पुलिस आपको वहाँ से ढूंढ के ले गई? 8-9 बजे की बाद ले गए। तो खाना वाना आपने खाया उस दिन? खाने वाने कुछ नहीं खावा, एक मेहरारू खवाई तो वही जो लड़का पैदा का, और जो ना गेट में ताला लगाई, वही डॉक्टर अस्पताल में जो महिला थी उसने आपको खाना खिलाया, वही खाना खवाई से और वो गुल्लैया। अच्छा, डॉक्टर ने भी आपकी दिन में दवा नहीं की वहाँ? नहीं करी। तो अब बिना वही संवेदनहीनता का ये हाल देखिए, महिला चली गई, हम सब सुवाई गई ना अतने भी है। संवेदनहीनता का ये हाल है कि थाने में महिला डेस्क ने भी इनकी मदद नहीं की, इनको अस्पताल भेज दिया, और अस्पताल के स्टाफ ने भी सारा दिन बैठे रहने के बाद इनका दवा इलाज नहीं किया, और वहाँ के डॉक्टर ताला बंद करके चले गए, और रात में पुलिस इनको ले गई। सरकार चाहे जितने भी दावे करे, वो चाहे जितनी योजनाएं बना दे, चाहे जितने नियम कानून बना दे, लेकिन जिनको उस पर अमल करना है, जब तक उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं तय होगी, सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर धूल फांकती रहेंगी।